आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवानी। मेरे साथ मौजूद है घमासान.com के संपादक मुकेश तिवारी, जो प्रयागराज कुंभ में करीब सप्ताह भर रहकर कवरेज करके आए हैं। आइए जानते हैं उनके अनुभव। बहुत ही विहंगम माहौल था, बहुत आस्था श्रद्धा का सैलाब वहां नजर आ रहा था। कोहरा, ठंड, इन सबको मात देकर श्रद्धा आस्था से बंधे लोग, मैंने शिवानी वहाँ देखा कि बूढ़े, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी दूर दूर से आस्था की डुबकी लगाने पवित्र गंगा मैया के किनारे आए थे। वहां से पर्व स्नान को लेकर क्या नजारा था? पर्व स्नान 21 जनवरी सोमवार को था और रविवार के दिन से ही शाम को जब हम गंगा के तट क्षेत्र में घूम रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग तेज भर से पहुंचना शुरू हो गए थे। और जब हम पर्व स्नान के दिन अल सुबह करीब 5 बजे के आसपास संगम के तट पे पहुंचे तो ऐसा नजारा था बिल्कुल विहंगम। जत्थों में लोग चले आ रहे थे और फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन निकलता गया तो ऐसा लगा कि जैसे आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ आया है संगम के तट पर। तो उस पर्व का बहुत महत्व भी रहता है। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा जो है उस पर गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो बड़ी संख्या में लोग जो है मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ आए थे। और फिर स्नान के बाद दान पुण्य का भी महत्व रहता है। कहा जाता है कि दान पुण्य अगर वहाँ करते हैं तो उससे जो है देश अपने घर में खुशहाली आती है, तो लोगों ने बड़ी संख्या में दान पुण्य भी किया। सर, मैं जानना चाहूंगी प्रयागराज कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर क्या था? व्यवस्थाएं अच्छी थी, काफी व्यवस्थाओं के प्रति जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने और वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसने ध्यान दिया था। खासतौर पर साफ सफाई को लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था और हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर में सफाई भी हो रही थी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और कचरा जो हो जा रहा था वो भी उठाया जा रहा था। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम थे। ISIS की धमकी के बाद सेना के जवान भी, उत्तर प्रदेश पुलिस भी सतर्क सजग थी। खास बात यह कि नदी किनारे स्नान के वक्त बहुत ध्यान रखा जा रहा था। उत्तर प्रदेश जल पुलिस, स्काउट गाइड के बच्चे, उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस, ये सब इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि लोग जो हैं वो तट पर स्नान करते वक्त किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, मोबाइल फोन से फ़ोटो खींचने, सेल्फी लेने या फोटोग्राफर के थ्रू फोटो खींचने, इस सब की मनाही थी, उस पर सख्ती थी। मैंने खुद देखा जब हम मेरे साथी मोहित देवकर के साथ जो है गंगा तट से संगम की तरफ जा रहे थे तो वहाँ से वापसी के वक्त जो जीवन रक्षक जैकेट पहनाए जाते हैं नाव पे, तो कुछ यात्रियों को एक नाविक ने जैकेट नहीं पहनाए थे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जल पुलिस के जवानों ने उन्हें उसे बहुत बुरी तरह फटकारा। तो सुरक्षा और सफाई के लिहाज से बहुत उम्दा व्यवस्था की गई थी। बाकी संत जो हैं, कुछ संत जो कहूँगा मैं, वो नाराज भी थे। एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है मेला लगा है कुंभ का, तो कई संतों के डेरे तक, जो छोटे डेरे हैं या कुछ बड़े डेरे भी हैं, वहाँ उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं जुड़ पाई थी, उसे लेकर संतों में नाराजगी भी दिखी। सर, क्या प्रयागराज कुंभ में देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही विदेशों से भी लोग आए हैं? हाँ, बड़ी संख्या में विदेश जो है वहाँ से भी लोग आए। मेरी मुलाकात तट पर जो है विदेशियों से भी हुई, बहुत सारे विदेशी, एक तो पूरा 30-35 देशों का प्रतिनिधिमंडल ही आया था विदेशियों का। वो जो है पर्व स्नान के दिन संगम के तट पर स्नान करने आए। उसके अलावा भी हम जब संतों के डेरे में घूम रहे थे, चाहे सेक्टर 16 हो, चाहे सेक्टर 14 हो, चाहे सेक्टर 12 हो, बड़ी संख्या में वहाँ पर विदेशी भी जो है संतों के दर्शन करते नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कृति को जानने के लिए उनमें बड़ी जिज्ञासा दिखी। वो बिल्कुल आस्था के साथ जो है संतों के दर्शन करते, संतों के बारे में जानकारी लेते हमको दिखाई दी।
फ्रांस से आए क्रिस्टोफर मुझे मिले, हॉलैंड से आई योहाना भी मुझे मिली, नेपाल से आए महतो ने मुझसे बात की, वो भी तट पे स्नान करने के बाद, और उन्होंने महतो ने तो ये तक कहा कि जो है हम तो ये देखने आए हैं कि कुंभ जो है उसकी व्यवस्थाएं कैसी, इतना बड़ा आयोजन भारत में कैसे होता है। तो बड़ी जिज्ञासा है लोगों में, आस्था है भारतीय धर्म संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति। इसके साथ ही सर मैं जानना चाहूंगी वहां नदियों की सफाई को लेकर क्या अभियान चल रहा है? नहीं, नदी की जो गंगा नदी की सफाई का मामला है तो उसको लेकर बहुत सतर्कता सजगता बरती गई है, और मशीन क्योंकि मशीनी युग हो गया है तो मशीन के जरिए जो है स्नान के दौरान ही साफ सफाई मशीन कर रही थी। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जा रहा था, कुछ लोग जो गंगा प्रहरी जिनको कहते हैं वो लोग भी वहाँ तैनात होकर, और कुछ लोग जो कि गंगा की साफ सफाई के लिए लगातार लगे रहते हैं काम में, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो लोगों को निर्देश दे रहे थे कि कोई यहाँ पर मतलब केवल स्नान कीजिए, पानी में कुल्ला मत कीजिए, आप लोग कोई भी साबुन नहीं लगाएगा नहाते वक्त, तो ये सब चीज़ें भी हो रही थी। इसके अलावा मेला क्षेत्र में नमामि गंगे अभियान की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उस प्रदर्शनी में जो है पर्यावरण को लेकर, नदी संरक्षण को लेकर, गंगा को प्रदूषण न फैलाने, गंगा को गंदा न करने की तमाम जानकारियाँ लोगों को दी जा रही थी, जागरूक किया जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।